नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबर भी सरकार द्वारा लाए गए किसान अध्यादेश का देश के किसान शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर देश के किसान दिल्ली की सीमाओं में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अध्यादेश वापस कराने के लिए आंदोलनरत है। आंदोलन में रहते हुए अभी तक लगभग देश के 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। डबरा के किसान मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले आंदोलन में मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी। मृत किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए काला कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर डबरा के किसानों ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी डबरा प्रदीप शर्मा बता दें, श्रद्धांजलि देने के बाद एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए डबरा SDM कार्यालय पहुंची, जहां काला कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर डबरा के किसानों ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी डबरा प्रदीप शर्मा को ज्ञापन भी दिया और मृत किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने की भी मांग की है। वहीं देश में चल रहा किसान आंदोलन कब और उग्र रूप धारण करने वाला है, जिसकी चेतावनी आज डबरा के किसानों ने दी है। किसानों का कहना है, यदि आंदोलन में अपने प्राण गंवाने वाले किसान भाइयों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तो काला कानून वापस नहीं लिया जाता तो देश के किसान अब और उग्र रूप धारण कर लेंगे। वहीं किसानों के साथ माता बहनें भी 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उनका ये आंदोलन जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती तब तक जारी रहेगा। शहीद हुए सिंह लेके गए थे, अगुवाई करते हुए जो शहीद हुए हैं उनका ये शहीद बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जत्थे जाएंगे और वहाँ जाके बॉर्डर पे और बलिदान जितना भी लगे उतना भी देने को तैयार हैं। इनके सहयोग के लिए और क्या सिख समाज और क्या करना चाहिए? सिख समाज के सहयोग के लिए एक तो इनका अपना शहीद तो वो मांगे जनता के दर्जे की मांग करेंगे। आगे और आंदोलन क्या तेज होगा? इनके शहीद होने से आंदोलन और तेज ही होगा। अभी 9 तारीख को यहाँ से और संगत जा रही है, एक जत्था और जा रहा है 9 तारीख को दिल्ली के रवाना होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जाएँ और वहाँ पर जाकर अपना सहयोग करें। ये हमारे डबरा के किसानों को लेकर के जो पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ था, आप सुरेंद्र सिंह सिद्धू जी उनकी अगुवाई कर रहे थे। यहाँ पर जगह जगह वो मीटिंग करके इस किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने हुए थे। अभी वो दिल्ली पलवल बॉर्डर पर शहीद हो गए और हम सभी किसानों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और ईश्वर करे कि उनका ये बलिदान इस किसान आंदोलन और इस कृषि बिल की वापसी से हो, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इनके लिए कुछ ऐसा कुछ शहीद का दर्जा के लिए अपन कुछ मांग करेंगे सरकार से? जी जरूर, मांग जरूर करेंगे। हमें आशा नहीं है क्योंकि ये जो क्रूर सरकार है उससे हमें कुछ भी आशा नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। शहीद के दर्जे के लिए मांग भी करेंगे। अभी तक कितने ऐसे और शहीद हुए हैं अपने कुछ बॉर्डर में जहाँ पे या यहाँ कोई ऐसे कोई हादसा हुआ हो? दिल्ली आंदोलन के चलते करीब करीब 60 किसान अपने प्राण गंवा चुका है और सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सरकार का क्या रवैया अभी किसानों का? सरकार का रवैया बड़ा दुबला रवैया है, बस किसान को देते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते। शासन ने जो अगली वार्ता के लिए समय दिया है उसमें क्या कहा गया था और किसानों का उससे क्या आशा है, क्या लगता है? देखिए, आशा तो कुछ भी नहीं है। असल में क्या है कि सरकार किसानों को कमजोर करना चाहती है। वो सरकार चाहती है कि ये थक जाए, ये परेशान हो जाए और परेशान होकर के वापस हो जाए, ये सरकार चाहती है। बाकी वो बिल लेने की मूड में नहीं, लेकिन किसान मजबूर करेंगे हर हाल में, घुटनों पर ले आएंगे। और हम तो एक ही बात कहते हैं कि रावण की लंका जरूर जलेगी। हम खबरों में बस इतना ही, बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।